दोस्तों, मैं इंडिया नाउ 24 से गोविंद गुप्ता आज हमारे सामने सामने बैठे हैं माननीय श्री विवेक भाव पंडित जी, जो कि 2009-2014 में आमदार रह चुके हैं और उन्होंने अपने आमदार रहते हुए बहुत सारे कार्य सराहनीय किए हैं और गरीबों और आदिवासियों के लिए पालघर जिला और अन्य जिलों में बहुत अच्छे काम किए हैं। आज उनसे आपकी बातचीत इंडिया नाउ 24 के चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। आप हमारे सामने श्रीमान विवेक भाव पंडित जी के सामने आपकी बातचीत हमारे चैनल के माध्यम से हो रही है। नमस्ते। यहाँ पर 10-40 साल से हमने आदिवासी और गरीबों के बीच में काम करने का प्रयास किया है। फिर थाने जिला हो, पालघर जिला हो, नासिक हो, रायगढ़ हो, अहमदनगर जिला हो, मुंबई का उपनगर जिला हो, ऐसे 6-7 जिलों में ये काम बिखरा हुआ है। मुख्यतः हमने जो काम किया वो गरीबों को और आदिवासियों को संगठित करने का काम किया, क्योंकि देश के आज़ादी को अब 75 साल होने जा रहे हैं, तब भी मौलिक अधिकार लोगों को नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है, उन्हें सम्मान नहीं है। तो सम्मान की जिंदगी के लिए और जीने का अधिकार मिलाने के लिए लोगों को संगठित करना, सरकार से अपने हक को मांगना और नहीं देंगे तो छीन के लेना, यह हमारे संगठन की रणनीति रही है। बंधुआ मजदूर हमने 6,000 से ज़्यादा मुक्त किए, और बंधुआ मजदूर की जो प्रथा यहाँ पे थी, सिस्टम यहाँ पे थी, उस कुरीति को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ डाला। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एंटी स्लेवरी सोसाइटी है, उन्होंने हमें गुलामी विरोधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1999 में दिया और हमारे काम की सराहना की। तो बंधुआ मजदूर हो, न्यूनतम मजदूरी हो, जो जमीनें आदिवासी की गई वो उनको वापस लाने का प्रयास हो, वन जमीन के ऊपर जो उनका कब्जा था उसको वन जमीन उनके नाम पे करना हो, ऐसे बहुत सारे प्रयास। और छोटे बच्चों को संगठित करने के लिए श्रमजीवी सेवा दल का निर्माण हमने किया, जो आज 40 साल में यहाँ पर 5-6 जिले में दिखाई दे रहा है। 1 लाख से ज़्यादा संगठन के सदस्य हैं, जो कि हर हर साल में चंदा देकर मेंबरशिप होती हैं, और ये मेंबरशिप बेस ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते उसके जो प्रमुख चुने जाते हैं वो भी जाते हैं, वो भी चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। और बहुत अच्छा, एक संवैधानिक अधिकार मिला देने के लिए संवैधानिक तरीके से चलने वाला संगठन, ऐसी मान्यता श्रमजीवी संगठन को मिली है। इसके बावजूद यहाँ पर विधायक संसद का समर्थन का और विठू मौली ट्रस्ट का भी काम इस एरिया में चलता है। 600 से ज़्यादा बच्चे भूख से मर गए थे पालघर जिले में। भूख के खिलाफ आंदोलन तो कई सालों से जारी है। इस मौत के बाद वहाँ पर एक सेंटर का निर्माण किया गया, जहाँ पर जो सीवियरली एक्यूट मालनरिश, बहुत ही कुपोषित, तीव्र कुपोषित बच्चे हैं, उनको लाया जाता है, उनको नॉर्मल किया जाता है और उनको घर पे भेजा जाता है। उसका मकसद यह है कि एक भी बच्चा भूख से न मरे, और भूख से नहीं मरने के लिए संगठन की ओर से रोजगार का कार्यक्रम भी बहुत बड़े पैमाने पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो रोजगार हमी योजना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की और केंद्र सरकार की, उसका अमल हम संगठित होंगे तो ही होगा, और इसीलिए हजारों मजदूरों को रोजगार हमी के द्वारा काम मिला देना, उनको कास्ट सर्टिफिकेट है, उनको आधार कार्ड है वो मिला देना, ऐसे बहुत सारे काम ये इस संस्थाओं के द्वारा, संगठनों के द्वारा चलते हैं। इसके अलावा महिलाओं में सिर्फ 1% साक्षरता थी, कातकरी महिला आदिवासी में, जो कातकरी समाज है उसमें। इसीलिए कातकरी लड़कियों के लिए 200 बच्चों का एक स्कूल का निर्माण यहाँ पे किया है, जो लड़कियाँ यहीं पे रहती हैं। उसमें से एक लड़की अभी जर्नलिज्म में उसने एमए किया, एक लड़की ने लॉ की एग्ज़ाम दे के वो अभी लॉयर बनी है, कुछ और अलग अलग इस पे पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा ये एक बहुत अहम माध्यम है जो पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक अस्पताल हम बनाने का अभी प्लान है, क्योंकि कोविड में कोविड सेंटर यहाँ पे शुरू किया था, जिसमें 700 से अधिक मरीज ये अच्छे होके वापस गए,
और एक भी मौत यहाँ पे नहीं हुई, हम मौतों को रोक सके। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा, जिसमें इंजीनियर से लेके आर्किटेक्ट से लेके मजदूर तक यहाँ पर लोग काम करने के लिए आते थे, अपने इलाज कराने के लिए आते थे। और इसके अलावा यहाँ पर अभी वो अस्पताल जो निर्माण किया जा रहा है, वो गरीबों के लिए, गरीब से गरीब आदमी भी इस उसके बीमारी का इलाज कर सके, उस दृष्टि से श्रमजीवी रुग्णालय की स्थापना यहाँ पर की है और वो काम अभी जारी है। एक 5 और 6 महीने में ही वो अस्पताल रेगुलर रूप से, सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। तो गरीबों के लिए जो भी करना चाहिए, आदिवासियों के लिए जो भी उनके उत्थान के लिए करना चाहिए, वो करने का प्रयास संगठन और संस्था द्वारा यहाँ पे हो रहा है। मैं विधायक था, वो तो एक एक्सीडेंट था ऐसे मैं मानता हूँ। 9 से 14 तक मैं महाराष्ट्र विधानसभा में विधानसभा सदस्य रहा और मैं किसी राजनीति के राजनीतिक दल में एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन राजनीति को हम अछूत नहीं मानते। चुनाव के वक्त हम जरूर एक्टिव हो जाते हैं, जिस भी पार्टी को, जिस भी कैंडिडेट को हमको सपोर्ट करना है, हम खुले दिल से उसको पूरी तरह से उस एक महीना चुनाव के वक्त पे राजनीति करते हैं। लेकिन उसके बाद में फिर हमारा यही काम शुरू होता है, इसी काम में हम जुट जाते हैं। तो एक समाज परिवर्तन का काम करने का इरादा लेकर हम, मैं और मेरी पत्नी, हम 40 साल पहले यहाँ पर आए थे और अभी वही काम हम आगे चला रहे हैं। बहुत सारे नौजवान इस काम को आगे ले जा रहे हैं। तो अभी तो मैं कहूँ कि ये सारा काम जो नई जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, हमने काम शुरू करने के बाद उसने अपने कंधे पे उठाया हुआ है और ये काम वो आगे ले जा रहे हैं। भाव, ये संस्था आपने स्टार्ट किया, आपने जो भी संस्था आप चलाते उसमें कितनी आपको प्रॉब्लम पड़ी संस्था स्टार्ट में, शुरुआत करने में? कोई भी संस्था या कुछ भी काम जब हम शुरू करते हैं तब दिक्कतें तो आना अनिवार्य है। तो मारपीट से लेके बदनामी तक सारी दिक्कतें आई, लेकिन उसको हम झेलते रहे, क्योंकि जिस काम को हमने उठाया है उसमें हमें, हमारे गले में हार कोई पहनने वाले है नहीं, उसमें तो दिक्कतें आएगी। तो दिक्कतों का सामना करना ये हमने शुरू से ही सीखा है, तो किसी भी दिक्कत हमारे लिए बड़ी दिक्कत नहीं होती या हमारे लिए बाधा नहीं होती। भाऊ, आपको आपको ये राजनीति पार्टी ने, ये राजनीति पार्टी ने डराया धमकाया भी कि आप ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे सराहनीय आदिवासी और लोग गरीबों के लिए खड़े रहे हैं, तो कोई राजनीति पार्टी से आपको दबाव भी आया भाऊ? किसी राजनीतिक पार्टी से दबाव आने का सवाल नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी ने दबाव नहीं डाला, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के लोग इकट्ठा आकर इस संगठन को कुचालने का प्रयास ये 1996 में हुआ था, जिसमें मुझे एक मर्डर के चार्ज में बुक कर दिया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया और संगठन को नष्ट करने का प्रयास ऑलमोस्ट सभी पार्टी के नेताओं ने किया, पार्टी ने नहीं लेकिन बाकी आगे स्थानीय नेताओं ने किया, और हमें मारपीट करने का प्रयास भी किया। एक दो बार मारपीट भी हुई, बंधुआ मजदूरी का काम कर रहे थे शुरू में 1982 में, तब मुझे कम से कम 3 बार जान को खतरा हुआ। लेकिन ये सारी दिक्कतें ये तो आती रहती है, ये आनी है, क्योंकि हम समाज के व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। भाऊ, आपने राजनीति जीवन में अभी चुनावी लड़ाई के चक्कर में आप जाना चाहते हैं? चुनाव के चक्कर में मैं खुद चुनाव के लिए खड़ा रहना ये मैंने अपने लिए ना कहा है कि मैं अभी चुनाव के लिए खड़ा नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं एक बार विधायक बन चुका, जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ वो क्षेत्र पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर रिजर्व सीट्स हैं, तो वहाँ पर मेरे चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं आता। जहाँ से मैं चुनाव लड़ा था वहाँ पर मैं गांव के मुद्दों के ऊपर मैंने वहाँ पे लोगों की मदद की थी और इसीलिए लोगों ने मुझे चुन के दिया था। तो मैं खुद चुनाव के राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन चुनाव की राजनीति लोकतंत्र के लिए जरूरी है, अनिवार्य है, ऐसे मैं मानता हूँ। और इस देश का लोकतंत्र सुधर जाए, पैसे का जो व्यवहार लोकतंत्र में हो सकते हैं उसमें प्रयास करते हैं। भाऊ, आगे आगे जो गरीब के संस्थाओं के लिए आगे आप आगे अच्छा से, इससे अच्छा क्या करने वाले हैं, आपके क्या सोचे हैं, इससे अच्छा गरीबों के लिए और क्या उपलब्धियां देने वाले हैं? अभी जो हम कर रहे हैं उसी काम को और आगे बढ़ाना, नौजवानों को उसमें शामिल कराना, भौगोलिक विस्तार इसका और भी जितना हो सकता है उतना कराना,
और नई चैलेंजेस जो आते हैं, नई चुनौतियां जो आती हैं, उस चुनौतियों के लिए नौजवानों को तैयार करना, ये प्रमुख धारणा लेकर हम काम कर रहे हैं। ओके बहुत थैंक यू सो मच। इंडिया नाउ 24 चैनल में आपका आने के लिए धन्यवाद। आप दो शब्द लाभ मिली, दो शब्द आप अपने राजनीति जीवन के सबसे अमूल्य बातें बोलिए। दो शब्द, जब मैं विधानसभा में खुद विधायक था तब विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा भी मेरी सराहना की गई कि जितने भी सारे डिवाइसेस हैं होते हैं विधानसभा में सवाल उठाने के लिए, विधानसभा में गरीबों की आवाज़ बुलंद करने के लिए। मैं एक क्षेत्र का विधायक था लेकिन मैं महाराष्ट्र का विधायक था ये मान के काम किया, तो अपना जो अर्थसंकल्प आता है, बजट आता है, उस बजट को एनालाइज करने का काम मेरी संस्था 1994 से कर रही है, जो आज भी 100 से ज़्यादा विधायकों को जानकारी देने का काम करती है। और उसके बारे में मैं विधानसभा में रहूं या नहीं रहूं, मेरी आवाज़ तो विधानसभा में पहुंचाने वाली है। अलग अलग राजनीतिक पार्टी के 100 लोग आज भी मौजूद हैं, यह मैं काम की एक उपलब्धि मानता हूं। राजनीति का टेक्सचर बदलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, वो बदलने का प्रयास जितना अपने तरफ से हो सकता है वो उतना करने का प्रयास मैं करता हूँ। और जब हम लोकतंत्र मानते हैं तब लोकतंत्र में राजनीति अछूत नहीं मानी जा सकती, कोई पॉलिटिकल पार्टी अछूत नहीं मानी जा सकती। जिस भी विचारधारा को आप मानते हैं उस विचारधारा से अनुकूल यदि कोई राजनीतिक दल है तो आप उससे जुड़ सकते हैं या चुनाव के में उसमें उसका काम कर सकते हैं। कभी किसी राजनीतिक दल के बारे में विचारों के आधार पर हमारी यदि मिलावट नहीं होती है तो कैंडिडेट के आधार पर हम चुनाव में सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हर एक नौजवान ने जिसे भी मौलिक अधिकार वोट का मिला है वो उसका इस्तेमाल करें और अच्छे में अच्छे अपने प्रतिस्पर्धी या अपने जो प्रतिनिधि हैं उस प्रतिनिधि को वो चुने और लोकतंत्र को सफल बनाए। धन्यवाद भाऊ, इंडिया नाउ 24 में आपका धन्यवाद भाऊ। भाऊ ने आज हमारे पालघर जिला में सबसे श्रमिक के लिए, आदिवासी के लिए, गरीबों के लिए मसीहा है हमारे श्री माननीय विवेक भाऊ पंडित जी, विवेक भाऊ पंडित जी जो आपने इंडिया नाउ 24 से आप बातचीत करते हैं, उनकी उनकी जो आपने उनके लाइफ में जो भी बातचीत हुई थी, जो भी उनके लाइफ के साथ घटनाएं घटी सारा आपने उनकी कहानी सुनी, उनकी जबानी, और हमारे चैनल में आने के लिए विवेक भाऊ पंडित को धन्यवाद।